मैंने अपना डिसेबिलिटी को एक सुपर एबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कराया है। अगर वो नेगेटिव इंसिडेंट्स भी मेरी लाइफ में नहीं हुए होते तो शायद मेरे अंदर वो ईगो और मेरे अंदर वो डोमिनेंस नहीं आता कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैंने सोसाइटी को फील किया, उनका जो एटीट्यूड है फॉर पीपल टुवर्ड्स डिसेबिलिटी वो बहुत ही नेगेटिव है। मैंने कभी सोचा था कि मैं किसी स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन खेल सकूंगी। हमेशा मुझे रोका जाता था कि आप रहने दो बेटा, आपको लग जाएगी। कभी भी कोई भी दिखता था तो पहले यही सवाल पूछता है कि बेटा आपके हाथ को क्या हुआ है। सो आई डिडंट इवन न्यू, बट आई न्यू दैट आई हैव टू से दिस वर्ड। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन आते रहते हैं। ये सर ने मुझे बताया कि यू नोटेड डाउन, एक तरफ लिखो जितनी भी पॉजिटिव चीजें तुम्हारी लाइफ में और एक तरफ लिखो जितनी भी नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में। अगर मैं पॉजिटिव चीजें काउंट करूँ तो उसका सब खत्म ही नहीं हो रहा था, एंड नेगेटिव थिंग पर जस्ट फोर जो कि बहुत टेम्परेरी थी, आज है कल नहीं होगी। यही जुझारूपन तो ये हमारे लिए मेरी जिंदगी तो बहुत खुशी वाला पल होता है। मैं बेटी का नाम के एक माँ प्राउड फील करती है। वैसे बैडमिंटन की तरह तलक ने जिंदगी कुछ मास्टर स्ट्रोक्स बचा कर रखे हैं। जो पैथीज होते हैं और जो एबल बॉडी एथलीट्स होते हैं उनमें बेसिकली बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज उन्हें अपना बॉडी रिकवर करना ही है एंड उसी के साथ साथ उन्हें अपना डिसेबिलिटी भी रिकवर करना है। सब में बिलीव करेंगे एंड अपनी इनर सेल्फ को सुनेंगे कि वो कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो वंडर्स कर सकते हैं। लाइफ में इज इम्पॉसिबल, इफ यू बिलीव यू कैन डू इट, आप सब सकते हो। वंदना